नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। अग्रवाल समाज जन सेवा में अग्रणी रहता है, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ ने। डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान, अधिकारी को किया सूचित। अब खबरें विस्तार से। सुहागिनों का पर्व करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए पूजा की। दूसरी ओर महिलाओं ने अध्यापिका सुमन के नेतृत्व में पौधारोपण किया। सुमन ने बताया कि यदि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम सब के लिए स्वास्थ्यवर्धक साबित होगा, इसलिए हमें इस तरह के अवसरों पर पौधारोपण करके पौधों की देखभाल करनी चाहिए। करवा चौथ का त्यौहार महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा और एकत्रित होकर बुजुर्ग महिलाओं से करवा चौथ की कहानियां सुनी। वहीं महिलाओं का कहना था कि इस त्यौहार का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। वहीं सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाकर करवा चौथ की बधाइयां दी। वहीं इस अवसर पर करवा चौथ के पर्व के बारे में प्राध्यापक सुमन ने बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा और मानव जीवन में इसका महत्व सर्वोपरि है, इसलिए इस अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस तरह की पहल करके न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाने का वो प्रयास कर रही हैं। जैसे व्रत है करवा चौथ का है, ये की सती प्रथा की विषय है कि मतलब करवा चौथ की जैसे मतलब ना मतलब किसी स्त्री के जरिए चली गई है कि किसी का स्त्री का पति गुजर गया था तो वो अपने हाथों में लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे सती प्रथा करके बैठ गई वो कि भाई मैं तप करूंगी, मेरे पति को जीवित करूंगी। मतलब वैसे तो काफी बोलते हैं करवा चौथ है करवा चौथ है, लेकिन मेन मायने में करवा चौथ कब चला तो ये प्रथा तभी से ज्यादा शुरू हुई थी क्योंकि वो जो सती है वो अपने पति को लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई कि मैं तप से अपने पति को जीवित करूंगी। तो उसने जल पानी सब कुछ छोड़ दिया, त्याग के वो अपने पति को लेके एक अपने तप पे बैठ गई और उसने मतलब प्रतिज्ञा की कि हे चौथ माता, जब तू आएगी मेरे पति को जीवित करेगी तभी मैं पानी पीऊंगी। तो वो अपने हाथ में जल लेके तुलसी का पत्ता लेके ऐसे बैठी रही और देखती रही कि भी कोई तो आएगा और मुझे मतलब ही मेरे पति के सास प्राण देगा तो भाई मैं तब जल पान करूंगी। तो ऐसा हुआ कि मतलब ही उसका तप जो उसने अपने पति के लिए किया वो संपूर्ण हुआ। जैसे बोला जाता है ग्रंथों में मतलब श्री पार्वती जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो कोई दुखिया बैठी हुई है अपने पति को लेके, भाई इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तो पार्वती बोली अरे अरे देखो रुको आप शिव जी कि ये तो ये कोई सती बैठी है अपने पति को लेके। तो शिव जी बोले अरे चलो ऐसे तो बहुत से लोग मिलेंगे। बोले नहीं नहीं ये तो दुखिया बैठी है। तो उस पे मतलब ही शिव जी भगवान ने देखा कि ये तो सच में सत्य दे रही है, अपना पानी सब कुछ त्याग के अपने पति के प्राण मांग रही है। तो उस दिन चौथ वाले दिन उसको अपने पति के प्राण मिले थे। इस वजह से मतलब ही चौथ का जो हम लोग व्रत करते हैं ये क्रियाएं तब से ही चल रही है। क्यों अभी हमारी जनरेशन आदि करवा चौथ कर रही है लेकिन इसके बारे में ज्ञान नहीं है, करवा चौथ कर रही है लेकिन कभी कुछ किया वो किया, लेकिन जो पहले के बुजुर्ग हमारे करते थे सच वो देते थे, तप देते थे, वो निर्हार कर पानी भी नहीं पीते थे, चांद निकलने के बाद पानी पीते थे तो मतलब ही तप देते थे तो वो पूरी तरह। मेरा नाम सुमन विजेंद्र बड़गुजर हूँ, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कायला में बतौर प्रवक्ता कार्यरत हूँ। आज हमने करवा चौथ का व्रत किया है। ये व्रत कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत को हम सभी महिलाओं ने मिलकर के कहानी सुनी और इस व्रत को हमने पूर्ण किया है। इसके बाद हमने इस व्रत के साथ साथ अपने पति के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना के साथ साथ हमने आज एक और व्रत लिया है कि प्रकृति के संरक्षण संतुलन को बनाए रखने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आज हमने नव दुर्गा सहयोग संस्था के तहत एक वृक्षारोपण किया है मंदिर में और ये संकल्प लिया है कि सभी हम अपने घरों में वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और इस दिशा में कार्य करें। सुनीता बेड़वाल करवा चौथ की सभी सुहागन बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये पावन पर्व सभी बहनों के लिए शुभ मंगलकारी हो।
सबके जीवन में सौभाग्यशाली हो और चौथ माता हम सबको अपना शुभ आशीर्वाद सबको प्रदान करे। इसकी जो दिनचर्या है वो सभी सुहागन बहनों के लिए बड़ा ही पावन दिन है। ये जो कथा है ये बड़ा हमारा ऐतिहासिक महत्व है, इसका ऐतिहासिक महत्व, ये पौराणिक कथा है कि कभी करवा माता ने कुछ ऐसा किया था जो हम सुनते हैं कि कुछ उनका सुहाग से कोई समस्या आ गई थी, उस समस्या को हरण करने के लिए चौथ माता ने उनको वर दिया था, उन्होंने पूजा की थी, तो उसका ये पवित्र हमें जो फल मिला है ये है। हम सुहागन बहने अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सभी तरह के सौभाग्यशाली, उनके परिवार के लिए जो व्रत करते हैं उस चीज के लिए काफी मंगलकारी व्रत है। निर्माणाधीन अग्रसेन भवन के विषय को लेकर श्री अग्रसेन ट्रस्ट की कार्यकारिणी की बैठक में विशेष रूप से पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि इस भवन के निर्माण के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि भवन का निर्माण जल्द पूर्ण किया जाएगा। संस्था के प्रधान रामदेव तायल ने भरोसा दिलाया कि वे समाज की इच्छाओं के अनुसार अग्रसेन भवन का निर्माण करवाएंगे। अग्रसेन भवन तैयार होने के बाद यह भिवानी शहर के लिए गौरवपूर्ण संस्था होगी। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने गांव देवसर पहुंचकर सरकारी नौकरी में लगे 15 युवाओं को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ग्रामीणों को चुनाव में मदद करने पर भी धन्यवाद किया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने श्री अग्रसेन ट्रस्ट के पदाधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि अग्रसेन भवन के निर्माण से सिर्फ अग्रवाल समाज को ही नहीं बल्कि अन्य समाज को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही अपने वायदे अनुसार 25,000 युवाओं को रोजगार देकर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया है। इसके अलावा DSC समाज को आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ देकर समस्त समाज को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि CM नायब सिंह सैनी की कथनी व करने में कोई फर्क नहीं है, जो वायदा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। अग्रसेन भवन में अग्रसेन ट्रस्ट की एक मीटिंग थी, जिसके कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसके अंदर घनश्याम जी सराफ मुख्य अतिथि थे। उनका सारे अग्रवालों ने भव्य स्वागत किया और उन्होंने सारी मंत्रणा की। अग्रसेन भवन के बारे में सारी डिस्कस हुई कि भाई इसको किस तरह से बनाया जाए, कैसे ये बने, इन सब बातों पर विचार हुआ। सब ने मिलजुल कर यही कहा कि अग्रसेन भवन जल्द से जल्द पूरा कराएंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सारे अग्रवाल का सबका यही मानना था इसको जल्द पूरा किया जाए, इसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। वहीं देवसर गांव में पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ का ग्रामीणों ने स्वागत किया। देवसर गांव के 15 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने पर उन्होंने माला पहनाकर व मिठाइयां खिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को उनके पक्ष में वोट देने पर आभार जताया और विकास कार्यों को करने का आश्वासन दिया। धन्यवाद। दौरे के तहत देवसर गांव में आना हुआ माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और सबसे पहले जो यहाँ से बच्चे हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद लगे हैं वे सब बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पढ़ाई करके अपने पद को प्राप्त किया है। मैं ऐसे बच्चों को नमन करता हूँ और उनको एक धन्यवादी टपकी लगा के उनको मैंने आसन्वित किया है कि आप आगे आए, देश की कमान आपके हाथ में आने वाली है। तो इस प्रकार के माने मनोहर लाल जी ने ये काम शुरू किया था और आज नायब सैनी जी ने चुनाव के तुरंत बाद, उनकी शपथ के तुरंत बाद उन्होंने 25,000 बच्चों को नौकरियां दी। ये एक बहुत बड़ी बात है और जो बच्चे होशियार हैं वे नौकरी पाने में सफल रहते हैं। पहले ये कहा करते भाई भागदौड़ कर ले, खेल के लगा देंगे इतने नंबर, लेकिन पैसे से और जमीन बेच के या घर का देवर बेच के बच्चे नौकरियां लगते थे। आज ऐसी अवस्था को माननीय मनोहर लाल जी ने दूर कर दिया है, हमारे नायब सैनी जी ने भी दूर कर दिया है। तो जब बच्चे होशियार बच्चे आगे निकलेंगे तो इस देश का, प्रदेश का कल्याण होगा और प्रत्येक क्षेत्र में जाके ये बच्चे गर्व से कह सकते हैं कि मैं इस घर का पला घर का बच्चा था। गरीब गुरु घर से भी अनेक लोग लगे हैं जिनका आगे कोई इनकम का सोर्स भी नहीं था, आज उन बच्चों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार
सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, हम सबको मिलके इस ईमानदारी के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी भाई या हमारी बहन कोई भी इससे वंचित न रहे, इसके लिए लाभ देना इनके लिए अति आवश्यक। क्या कहेंगे, गांव में विधायक जी पहुंचे हैं, धन्यवादी दौरे चल रहे हैं, बच्चों को सम्मानित भी किया, 15 के लगभग गाँव के बच्चे लगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले जो भ्रष्टाचारी सरकार थी उनमें जो नौकरी लगती थी ये पूछना पड़ता था, 5 साल में भाई गांव का कौन सा लड़का लगया है, तो उसमें पता लगता था भाई फलाना का लगया है, उसने 20 लाख रुपए दिए थे। और अब की सरकार में ये फ़र्क है, हमें ये पूछना पड़ता है गांव में कितने बच्चे लग गए बिन खर्ची और बिन पर्ची से, तो इसमें गिनती आती 20 लग गए 25 लग गए हर भर्ती के ऊपर, और इसमें हो सकता है एक आधा नाम रह गया, वो लगया हुआ है हमारी लिस्ट में नहीं आया है, तो ज्वाइनिंग तक वेट कर रहे हैं। और ये सरकार 2054 तक बन चुकी है, इसमें किसी को पार्टी और को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिला। इन दिनों किसानों को फसलों की बिजाई के लिए डीएपी खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यदि डीएपी खाद उपलब्ध नहीं होती है तो उनकी सरसों की फसल की उपज आधी रह जाएगी। वहीं उन्होंने डीएपी की कालाबाजारी के भी आरोप लगाए और अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया। इस बारे में एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि डीएपी खाद की डिमांड अधिक होने के कारण पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने किसानों को डीएपी खाद की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। किसानों ने बताया कि सरसों की बिजाई के लिए डीएपी खाद बेहतर जरूरी है, अगर डीएपी खाद नहीं डाली जाती है तो सरसों की आधी पैदावार हो जाती है। रोजाना किसान पैक्स व सरकारी बीज विक्रेता एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। खाद न आने की वजह से यह समस्या बनी हुई है, क्योंकि भिवानी के अलावा हांसी में भी खाद का रैक नहीं लगा है। अगर इन जगहों पर रैक लग जाता तो किसानों के लिए खाद की कमी नहीं होती। किसानों का तर्क है कि डीएपी खाद की कालाबाजारी होने का अंदेशा है, जिसकी वजह से जिले में खाद की कमी बनी हुई है, जिसके चलते किसानों में रोष है। उनका कहना है कि डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण सरसों की बिजाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। इस बारे में एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि डिमांड अधिक होने की वजह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पहले भी खाद का एक रैक लग चुका है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जा चुका है तथा जल्द ही किसानों की खाद की समस्या का निदान कर दिया जाएगा। भाई राधे श्याम नाम है, रानी ले तारे हूँ भाई, खाद खातर खाद मिल रही मिलती को ना, सोल्टे जा रही है भाई खाद की। तो क्या अपील करेंगे आप, क्या मांग करते हैं? नाम बताओ, क्या दिक्कत आ रही है आपको? डीएपी नहीं मिल रहा जी, डीएपी वगैरह क्या बोल सिस्टम, ये सिस्टम का वो निकल गया, टाइम निकल जाएगा, पाँच डीएपी क्या काम आएगा? कितने दिनों से समस्या है आपको ये जी? हम तो ये है ना बुआरा चालू हुआ है, ये रोजिना वहाँ कम से कम नहीं 10-15 दिन हो रही है, डेली आ वहाँ ट्रैक्टर ले लेकर खाली जाओ वहाँ, ये ट्रैक्टर खड़े अपना लिया आई सर। क्या आश्वासन के द्वारा दिया जाता है? ये बोलते हैं रैंक नहीं लगा हुआ है, खाद आएगा तभी है दिया जाएगा। जहाँ तक डीएपी का सवाल है, डीएपी के लिए किसान जो हमारे नेता हैं वो भी हमसे मिले थे, इसके बारे में रिपोर्ट भी ली गई है हमारे द्वारा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से। तो ये जो डीएपी की रिक्वायरमेंट है कोटा के हिसाब से, बेसिकली इंपोर्ट किया था डीएपी को, तो उसके आवश्यकता अनुसार हमारे को जो मिला भी है। जहाँ तक की कमी है, कमी के लिए मैंने हायर अथॉरिटीज़ को इंटीमेशन कर दिया है, कोशिश रहेगी हफ्ते के अंदर अंदर इसकी कमी को पूरा कर। और अब चलते चलते कांग्रेस पार्टी की ओर से नेताओं की कार्यनीति को देखें तो लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक टिकट और उम्मीदवारों की घोषणा में कोई अधिक अंतर दिखाई नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में भी गुरुग्राम से अंतिम समय में उम्मीदवार के नाम की घोषणा पूर्व सांसद राज बब्बर के नाम की गई। इसी प्रकार से 12 सितंबर को लगभग 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। यह पार्टी के नेताओं और चुनावी रणनीतिकारों का विषय और अधिकतर ही है। चुनाव में जीत और हार का फैसला भी जनादेश के मुताबिक होता है, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि विजेता और उपविजेता सहित इस दौड़ में पीछे रहने वाले सभी उम्मीदवार सहित उनकी पार्टियां और जीत के चुनावी गणित के मुताबिक हिसाब किताब अवश्य रखती हैं, जिससे भविष्य में और अधिक बेहतर प्रदर्शन करते हुए मतदाताओं की अपेक्षा पर खरा उतरा जाए। विधानसभा चुनाव में अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े चेहरे और नेता राज बब्बर की फील्ड में कमी सबसे अधिक महसूस की गई। यह निश्चित रूप से अब बहस का विषय बन सकता है। राजनीति के जानकार लोगों के मुताबिक 2024 में कांग्रेस पार्टी से अधिक पार्टी के नेता कहीं ना कहीं
कांग्रेस के पक्ष में हवा में ही सवार रहे। भाजपा की रणनीति और उसके द्वारा फील्ड में की जा रही मेहनत को कांग्रेस नेता और इसके रणनीतिकार पकड़ने और समझने में कहीं ना कहीं नाकाम भी रहे। जानकार लोगों का यह भी कहना है कि अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व सांसद राज बब्बर के पक्ष में जिस प्रकार से 9 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट के दावेदारों के द्वारा मेहनत की गई, उसी की बदौलत राव इंद्रजीत की जीत का मार्जिन 1 लाख से नीचे सिमट गया। इसी प्रकार से यदि 9 से 10 दिन में राज बब्बर गुरुग्राम अहिरवाल के 9 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पूरी ताकत लगा देते तो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव परिणाम और अधिक बेहतर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। अग्रवाल समाज जन सेवा में अग्रणी रहता है, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ ने। डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान, अधिकारी को किया सूचित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।